नीट रिजल्ट के बाद दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ग्रेस मार्क पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। हम काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएंगे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच नीट यूजी मामले में सुनवाई कर रही है। बता दें, एनटीए की तरफ से कहा गया कि छात्रों का डर दूर करने के लिए यह निर्णय लिया जा रहा है। नीट यूजी 2024 की परीक्षा में जिन उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं उन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा का रिजल्ट 23 जून को जारी किया जाएगा। इसके बाद ही काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। याचिकाकर्ताओं ने काउंसलिंग पर रोक लगाने की भी मांग की है। संक्षेप में कहा जाए तो कोर्ट 3 याचिकाओं पर विचार कर रहा है, जिसमें अनियमितताओं और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 1500 से अधिक उम्मीदवारों को लॉस ऑफ टाइम के आधार पर परीक्षा में ग्रेस मार्क्स देने के संबंध में संदेह जताते हुए नीट यूजी 2024 के रिजल्टों को चुनौती दी गई है। इनमें से एक याचिका फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे ने दायर की है। दायर की गई याचिका में दावा किया गया है कि एनटीए का ग्रेस मार्क्स देने का फैसला मनमाना था। कथित तौर पर पांडे ने लगभग 20,000 छात्रों से प्रतिनिधित्व एकत्र किया है, जिसमें दिखाया गया है कि कम से कम 1500 छात्रों को लगभग 70 से 80 अंक ग्रेस मार्क्स के रूप में दिए गए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूजी परीक्षा को लेकर दूसरी याचिका एसआईओ के सदस्य अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और डॉक्टर शेख रोशन मोहिद्दीन के दायर की है। दायर की गई इस याचिका में नीट यूजी 2024 के रिजल्टों को वापस लेने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने ग्रेस मार्क्स देने को मनमानी बोला है और आरोप लगाया है कि इसमें मनमानी तरीके से ग्रेस मार्क्स छात्रों को दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि 720 में से 718 और 719 अंक स्टैटिकली रूप से असंभव थे। इसके अलावा यह भी दावा किया गया कि एनटीए द्वारा ग्रेस मार्क्स देना कुछ छात्रों को लॉस ऑफ टाइम की भरपाई के बजाय पिछले दरवाजे से प्रवेश देने की एक दुर्भावनापूर्ण कवायद थी। याचिकाकर्ताओं ने इस तथ्य के बारे में भी संदेह जताया कि एक स्पेशल सेंटर में 67 छात्रों ने 720 में से 720 अंक कैसे प्राप्त किए हैं। दायर की गई दूसरी याचिका में याचिकाकर्ताओं ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच होने तक नीट यूजी 2024 प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली काउंसलिंग पर रोक लगाने की भी मांग की है। उन्होंने परीक्षा के ऑपरेशन में कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी के गठन की मांग की है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।